एक तुच्छ बयान देती है। ममता बनर्जी के बयान को हम ज़्यादा प्रसारित भी ना करें तो अच्छा है, क्योंकि वो एक विधर्मी महिला है, और विधर्मी इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि कभी भी वो देश के हित की बात नहीं करती, हमारे देश को खंडित होने का प्रयास, खंडित करवाने का प्रयास करती है। इसलिए चाहे बंगाल हो, चाहे अन्य हमारे जो प्रदेश हैं, उनको विघटित करने की जो बात करेगा वो देश हित की, देश हित में कभी भी नहीं बोल पाएगा, ना ही वो राष्ट्र प्रेमी हो सकता है, राष्ट्रभक्त हो सकता है। ठीक है, बीजेपी के लिए बकायदा नो फ्लाइंग जोन बना दिया गया है बंगाल में, क्या हाँ, ख्याल? तो भाई जहाँ अधर्म होगा वहाँ धर्म को रास्ता बनाने के लिए प्रभु राम जी जैसा ही प्रयास करना पड़ेगा, और हनुमान जी तैयार हैं इसके लिए। मार्ग बनेगा, मार्ग प्रशस्त तो हो चुका है। कल की जो प्रक्रिया थी वहाँ की, वो देख के सबको समझ में आता है, और इसलिए जितने भी अधर्मी लोग, विधर्मी लोग हैं, ये सब कांपते हैं, डरे हुए हैं, भयभीत हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। 4 वर्ष बीत गए कांग्रेस को, क्यों आप लोगों ने उनको, उनके ऊपर दबाव नहीं बनाया, और क्यों राम मंदिर के ऊपर इतना क्लेश किया? अभी वर्तमान में 4.5 वर्ष का आप आंकड़ा ले रहे हैं कि मोदी जी को 4.5 वर्ष हो गए हैं। मैं कहती हूँ कि आज भी विधर्मी अपनी गतिविधियों को नहीं छोड़ रहे हैं, कांग्रेसी जो विधर्मियों का रोल अदा कर रहे हैं, और कांग्रेसियों ने कपिल सिब्बल जो एडवोकेट हैं उनको कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर दिया है राम मंदिर के जो प्रकरण है उसके विरोध में। हम राम मंदिर को कोई राजनीतिक विषय नहीं समझते हैं, ये तो भक्ति का विषय है, उनकी प्रभु राम जी के ऊपर आस्था का विषय है, और आस्था कभी नहीं खत्म होती है। हमारे जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं, उन्होंने, उनसे हम हैं, इसलिए हम एक मंदिर बनाने के लिए भी अगर अटके रहें तो अच्छी बात नहीं है। संत बिल्कुल विरोध में नहीं है, क्योंकि संतों को मालूम है, साधु संन्यासियों को मालूम है कि राम मंदिर तो इसी भावना में और इसी परिवेश में और इसी वातावरण में बन सकता है, विधर्मी वातावरण में कभी नहीं बन सकता। हम अयोध्या अवश्य जाएंगे, भव्य मंदिर निर्माण करने के लिए, हम ढांचा गिराने के लिए भी गए थे, और मंदिर भव्य बनाने के लिए भी जाएंगे। जब एकदम प्रबलता होगी, जब प्रभु का आदेश होगा, हम अवश्य पहुंचेंगे।